بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शुबान और आप देखते हैं लवली ब्लॉग. हमेशा की तरह अल्लाह पाक के फजल करम से जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करता हूँ आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी. और आज तो कुछ भी नहीं है कुछ करने के लिए या ब्लॉग बनाने के लिए, आज तो बिल्कुल फारग हूँ और रोज़ा भी काफ़ी लग रहा है और कुछ भी किया नहीं जा रहा. ऑफिस में बैठे हैं अभी फारग, देख सकते हैं आप. अकेले मौज मस्ती में जी बिजी बिजी क्या फारग क्या करें यार, आज भी समझ नहीं आ रहे मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं करने के लिए आज बिल्कुल फारग. अस्सलाम वालेकुम. अभी दाना मिक्स कर रहे हैं लाला, काम कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? अभी वीडियो बना कर दिखाता हूँ. मशीन चल रही है जी, आज अल्लाह के फजल व करम से जी आज काम हो रहा है. लाला जी प्लास्टिक का दाना मिक्स कर रहे हैं जी, जो हम प्लास्टिक में दाना बैग जो भी बैग में हम इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक का, वो मिक्स कर रहे हैं. ये मिक्सिंग करते हैं तो फिर जाकर जी मशीन में डालते हैं और ये फिर ये प्लास्टिक का दाना तैयार होता है. लाला जी ये क्या कर रहे हैं आप? दाना मिक्स कर रहे हैं भैया. कौन सा दाना मिक्स कर रहे हैं? LLD 118. ये लाला जी के साथ उस्ताद हैं वकास भाई. उस्ताद वकास. लाला जी आज आपने ये कैप पहनी हुई है, नमाज पढ़ के आए हैं? माशाल्लाह जी माशाल्लाह. लाला जी क्या नमाज पढ़ के आपको ये पता भी है कि नमाज पढ़ना मतलब है. ये देखें ये लाला जी दाना मिक्स कर रहे हैं और ये मशीन में हम डाल लेंगे. ये देख रहे हैं आप, ये मशीन में चल गया दाना और ये इधर पिघल के आ गए. ये देखें ये प्लास्टिक छापर तैयार हो रहे हैं. ओए चुप, आज इसको बांधा है जी, इसलिए इसे काफ़ी तकलीफ हो रही है कि मुझे बांधा किया, मुझे खुला छोड़ें. आज नहीं खोलना, चुप बैठ जा, चुप करके चुप. अच्छा जी एक और ज़बरदस्त खबर ये है कि बहुत ही गुड न्यूज़ है. ये देखें हमारी एक मुर्गी फिर अंडों पर बैठ गई है और इंशाल्लाह 20-21 दिन बाद इसके भी चूजे निकलेंगे. ये देखें अरे उठ गई, ये तो उठ गई है. ये देखें जी इसके अंडे, इसके अंडे आपने देखे जी, ये उठ के बाकी शायद इसको भूख लगी है जी, इसको भूख लगी है जी, खाना खाने के लिए निकली है, खाना खाएगी पानी पिएगी उसके बाद ये फिर अंडा पर बैठ जाएगी. ये देखें देखो आपने, इसका तो रोज़ा नहीं है जी, ये खाना खा रही है, खाना खाएगी पानी पिएगी उसके बाद ये फिर अंडा पर बैठ जाएगी. और दुआ करें इस बार पूरे नहीं होंगे, पिछली बार भी हमारे 3-4 अंडे ख़राब हो गए और जिसकी वजह से चूज़े काफ़ी कम निकले थे, और अगर इस बार पूरे निकले तो पूरे निकले तो अभी ये खाना खा ले फिर ये ऊपर बैठेगी अंडों के ऊपर, फिर मैं आपको दिखाऊंगा. ये देखिए जी ये जो मिस्री मुर्गी जिसको हम आंटी कहते थे, इसको हमने बंद कर दिया क्योंकि ये काफ़ी तंग करती थी, अंडों पर बैठ नहीं रही थी और जो छोटे इसकी उम्र इससे उम्र के जो छोटे चूजे थे उनको मारती थी, जैसे इसके छोटे थे उनको मारती काफ़ी थी, इसलिए हमने इसको बंद कर दिया. अब ठीक हो, अब कोई मिलने भी नहीं आएगा, तुम्हें इधर ही कैद रहा ठीक है, इधर ही बंद रहा. और साथ में अंकल भी हैं जी और इसकी सास सौकन है जी.
इधर बंद ठीक है अब तो। हाँ भाई खा लिया खाना, खाना खा लिया तो कर दूँ बंद तुम्हें, अंडों पर बैठ जाओ अगर खाना खा लिया तो। आजीगा किसी और को खाने नहीं दे रही, अकेली खा रही है। बुजी ए बुजी तेरे को क्या चाहिए रे बुजी, इसको आज हमने बांधा हुआ है जी, क्योंकि ये भी बहुत तंग करती थी, हर वक्त पाँव में पड़ती रहती है, जो भी मेहमान आता है उसको भी बस काटती रहती है, इसलिए आज हमने इसको बांधा हुआ है। दो चार दिन बांधेंगे थोड़ी सी सेट हो जाएगी, अभी सुबह से तंग हो रही है कि मुझे क्यों बांधा हुआ है, देख देख सकते हैं आप। लाला काफ़ी काम करके थक गया जी, रोज़ है अगर इंसान थक ही जाता है। ये देखें लाला जी रेस्ट हो रहा है, रोज़ा लग रहा है लाले को जी, माशाल्लाह काम भी कर रहा हूँ, रोज़ा भी रख रहा हूँ, नमाज भी पढ़ रहा हूँ, माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी वज़ू मैंने कर लिया जी, और अफ्तारी का टाइम होने वाला है, आज फैक्ट्री में ही रोज़ा खोलेंगे और उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपसे जाता होगा। आइए पहले देखते हैं लाला जी ने अफ्तारी में क्या इंतजाम किया है आज। किसको सुनाएं आपके होते हुए। जी मेरी आवाज़ तो इतनी प्यारी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही प्यारी नात थी, अभी मैं सुन रहा था असद आज़ाद तारी की आवाज़ में, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ है असद आज़ाद तारी की, मेरे फेवरेट नात कौन है जी असद आज़ाद तारी, और दूसरे मोहम्मद अवैस रज़ा कादरी, माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत ही नामवर नात खान हैं और मेरे ये फेवरेट हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत ही प्यारी इनको आवाज़ दी है जी, इनकी आवाज़ में नाच सुना करें बहुत ही सुरूर आता है और ईमान ताज़ा हो जाता है जी माशाल्लाह। जिस तरह से वो पढ़ते हैं ना सुरूर आ जाता है जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने इनको बहुत ही प्यारी आवाज़ दी है जी। तो अभी आप इजाज़त दें जी, दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए करेगा, यूँ ही हमारे साथ प्यार बढ़ाते रहिएगा और अल्लाह।